इतिहास इसका बहुत पुराना, संघर्षों का था वो जमाना। ना थी कुछ करने की आजादी, चारों तरफ हो रही थी बस देश की बर्बादी। एक तरफ विदेशी हमलों की मार, दूसरी तरफ दे रहे थे कुछ अपने ही अपनों को घात। एक बार आजादी के परवानों ने हार नहीं मानी थी, विदेशियों से देश को आजाद कराने की जिद ठानी थी। एक एक बार की विदेशी शासकों पर घात, छोड़ दी अपनी जान की परवाह, बस आजाद होने की थी आखिरी आस, बस आजाद होने की थी आखिरी आस। A very good morning to all of you. I am Anika Mishra. Priti Srivastava. I am Jitu Santani. We all are gathered here to tell you about a national festival, that is Republic Day. Hey, students, do you know what do we celebrate on 26 January? We celebrate 26 January as Republic Day, means Gantantra, arthat Gan Dhan Tantra, Janta ka Tantra ya Shashan. गणतंत्र का अर्थ है देश में सभी देशवासियों के लिए समान व्यवस्था और कानून स्थापित करना। हमारे देश में सभी धर्मों को, संप्रदायों को समान अधिकार और स्थान दिया गया है। हम सभी के लिए 26 जनवरी एक गौरवपूर्ण दिन है। हम सभी को भारत का नागरिक होने पर गर्व है। इस महान दिन को न सिर्फ भारत में रहने वाले भारतीय बल्कि विश्व के कोने कोने में रहने वाले भारतीय उत्साह के साथ मनाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली को मिलाकर चलाया जाए, जहाँ व्यवस्था को चलाने के लिए एक सीमा होती है और नागरिकों को बराबरी का, न्याय का पूर्ण अधिकार होता है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का शासन है जो जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। Republic Day is celebrated every year on the 26th January in India since 1950 to commemorate the Indian Constitution replacing the Government of India Act 1935 as the governing document of India. As we celebrate our 73rd Republic Day today, let you know why the day is celebrated and its significance and importance. Now, Preeti ma'am will tell you what is the history of Republic Day. Students, I am going to tell you about the history of Republic Day. India obtained its independence on 15 August 1947. Though the nation did not have a permanent constitution, instead the country was functional on the laws that were based on the modified Colonial Government India Act 1935. On 29 August 1947, a resolution was moved for the appointment of drafting committee for the development of a permanent constitution with Dr. B.R. Ambedkar as chairman. The first draft of the constitution was submitted by the committee to the Constituent Assembly on 4 November 1947. The assembly met for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days in sessions open to public before adopting the constitution. After many contemplations and modifications, finally on January 24th, the 308 members of the assembly signed two handwritten copies of the document, each in Hindi and English. And 2 days later, history was created. The Constitution of India came into effect on Republic Day, that is 26 January 1950. On this day, India was declared as Purna Swaraj country. Now, Anika ma'am will tell you how we celebrate Republic Day, our national festival. बच्चों, क्या आपको पता है गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है? इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकलती है। भारत की तीनों सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना की टुकड़ी यहाँ मार्च करती है और लाल किले पहुँचती है। इस दिन सार्वजनिक समारोह में तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती हैं, जो लोगों का मनोरंजन करती है। 26 जनवरी के दिन देश के सभी गाँव और शहरों के स्कूल कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसी दिन देश की राजधानी नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सभी लोगों सम्मान के साथ खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं।
दिल्ली में बहुत से भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक एक भव्य परेड निकाली जाती है। रेजिमेंट, नौसेना तथा वायुसेना के सैनिकों इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला डालकर शहीद सैनिकों का सम्मान करते हैं। सभी शहीद सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। हमारे देश को स्वतंत्र करने में बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है। अनेक देशभक्तों ने अपनी जान न्योछावर कर दी। प्रधानमंत्री सभी का आभार प्रकट करते हैं और सभी देशवासियों को एकजुटता और आपसी प्रेम भाव से रहने की सलाह देते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।